फ्रेंड अस्सलामुअलैकुम, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम एक रेसिपी आप लोगों से शेयर करूंगी। मैं बिरयानी बनाऊंगी, ये पत्ता गोभी लिए हुए हैं और ये ना हम पानी चढ़ाए हुए हैं क्योंकि पत्ता गोभी को ना हम बॉयल करके फेंकेंगे क्योंकि बहुत अच्छा इससे ना स्वाद बनता है बिरयानी का। तो बने रहिएगा हमारी यूट्यूब चैनल रेशमा जी के ब्लॉग को। अगर जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर तो भूलिएगा भी मत। तो ये हम सरसों का ऑयल डाले हैं, इसको हम आलू को पहले फ्राई कर लेते हैं। तो ये बॉयल हो चुकी है, इसके सारे पानी को हम तो ये हम ना सरसों का ऑयल डाले हैं और हम आलू तल कर निकाल लिए हैं। अब इसको भी हम फ्राई करेंगे क्योंकि ये बिना फ्राई के अच्छी नहीं लगेगी। इसको ना 2 से 5 मिनट तक इसको हम फ्राई करेंगे। तो ये ना फ्राई हो चुका है, देखिए बिल्कुल ब्राउन कलर के लग रहा है। इसको अब निकाल, तो इसमें हम अब रिफाइन ऑयल डाल रही हूँ। तो ये हम बघारने के लिए 4 तेज़पत्ता लिए हैं, ये सौंफ है और जीरा, ये काली मिर्च है, मैंने 1 इलायची है, 4 गोई है, लौंग है, ये 2 टुकड़ा है, ये मैंने 4 अदरक का टुकड़ा लिए हुए हैं। तो इसको ना हम इस तेल में सब डाल देते हैं। ये देखिए, और ये हम 4 हरी मिर्च के टुकड़ा लिए हुए हैं, प्याज है, तो इसको हम डाल देते हैं। तो ये देखिए प्याज हमारा लाल हो चुका है और अदरक लहसुन का पेस्ट है। ये धनिया पाउडर, ये हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर है, इसको ना भून, ये नमक। तो ये देखिए मसाला हमारा जो है वो एकदम भून चुका है, ये देखिए एकदम अच्छे से भून चुका है। तो इसमें हम मटर डाल देते हैं, इसमें आलू, ये गाजर, इसको हम 2 मिनट तक भूनने देते हैं। तब तक हम अपनी चावल को ना वो अच्छे से वॉश कर लेते हैं। तो हम ना 1 कटोरा चावल लिए हैं, तो हम 1-2 पानी डालेंगे, इतना ही जितना चावल उतना ही पानी डालेंगे। ये सारे चावल को ना हम डाल चुके हैं, ये देखिए पूरा, इसको 5 मिनट तक से हम नॉर्मल आंच पर भूनेंगे। तब इसमें हम ना जो बद्धा गोभी रखे हुए हैं वो डालेंगे, ये देखिए। तो अब इसमें हम पत्ता गोभी को ना डाल देते हैं। इसमें हम पानी ना तो 1 डाले हैं, 1 और डाल रहे हैं। ये टमाटर और हरा धनिया, अब इसको ना हम बंद कर देते हैं, 2 सीटी लगाएंगे, एकदम हमारा बिरयानी तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा एकदम तैयार हो चुका है पत्ता गोभी बिरयानी। तो कैसी लगी आपको ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।